असम में एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने असम के लिए दोबारा एनआरसी प्रक्रिया को दोहराने की मांग की थी। कोर्ट ने केंद्र को न सिर्फ तगड़ा झटका दिया बल्कि नया आदेश जारी कर उसके लिए मुश्किलें भी बढ़ा दी। एनआरसी को लेकर अक्सर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन हर बार इन सवालों का जवाब सरकार ने ये कहकर दिया है कि हर बाहरियों को यहाँ नहीं बसने देंगे। अपने इसी अरमान को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने असम में एनआरसी को दोबारा कराने और फिर से जांच करने की मांग की थी। सरकार ने आशंका जताई थी कि लाखों अवैध शरणार्थियों ने स्थानीय एनआरसी अधिकारियों के साथ मिलकर एनआरसी ड्राफ्ट में जगह ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार की मांग को खारिज करते हुए उसे तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को सिर्फ कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि एनआरसी डाटा में आधार की तरह गोपनीयता बनाए रखी जाए और एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित करें। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की सूची जारी करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एनआरसी कोऑर्डिनेटरों की उस अपील के बाद आया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि नई सूची व्यापक और सही हो। इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी वैध व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं, सभी अवैध व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं। इसके लिए और समय की जरूरत है। उस वक्त तो कोर्ट ने कोऑर्डिनेटरों की अपील मान ली, लेकिन आज केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर उसे झटका दिया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।